नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपने स्लो कंप्यूटर एंड लैपटॉप से परेशान हैं? तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है दोस्तों। कि हम देखते हैं कि हम अपना कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा क्या होता है, वर्क स्लो होता है। तो कुछ तीन चार स्टेप हैं जिसको हम करके अपने सिस्टम को फास्ट कर लेंगे। आपने क्या करना है, अपने सिस्टम में इस टाइप का जो बटन होगा कीबोर्ड में, उसको विंडो और आर प्रेस करना है। उस पर आपने पहली कमांड लिखनी है, परपैच PREFETCH, इसको टाइप करना है और एंटर करना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, कंटिन्यू कर देना है इसको। और आप देखेंगे कि ये जो आपकी फाइल है, इसको आप यहाँ से यूँ सेलेक्ट ऑल करके डिलीट का बटन दबा देंगे अपने कंप्यूटर से। तो इनको आपने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। कैप कर देंगे इसको, ये हो गया। दूसरी कमांड जो आपने करनी है, विंडो आर करके शिफ्ट के साथ 5, टैम फिर शिफ्ट के साथ 5, एंटर कर देना है। अब ये जो आपके टैम्प वगैरह की फाइल है जो आपकी सिस्टम को स्लो करती हैं, ये आपको यहाँ पे सही कर देंगी। इस तरीके से आपने ये कर देना है। तीसरा आपने क्या करना है, फिर से विंडो और आर का बटन दबाना है, क्लीन मैनेजर करना है, CLEANMGR, इसको करेंगे और एंटर करेंगे। इस तरीके से ये आपकी सी को दे देगा, हमें सी में हमारा सारा प्रोग्राम रहता है। ओके किया हमने, ओके करने के बाद ये हमारा इसको क्लीन कर रहा है, जो भी हमारी फाइल है। थोड़ा कैलकुलेट होने में टाइम ले रहा है कि हम इस तरीके से देखेंगे कि जो भी हमारी फाइल वगैरह एरर होती हैं उसको किस तरीके से ये वर्किंग करता है। कैलकुलेट जो मान, क्योंकि अमूमन सारी हमारी सी ड्राइव में ही जो फाइल उसमें जाती हैं, और उस फाइल को ही हमारा क्या कर देता है, क्लीन कर देगा, जिससे कि हमारे सिस्टम में जो स्लो स्पीड है वो कुछ परसेंट तक तेज़ हो जाएगी। कुछ समय का वेट कर लेते हैं। ओके की रिपोर्ट आ गई, आप यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप डिलीट कर देंगे और डिलीट करने की प्रोसेस देखेंगे कि इसने इसको क्लीन कर दिया। आपका सिस्टम पहले से काफ़ी हद तक सही चलेगा। थैंक्स।